हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज मम्मी के घर पे आई हूँ, तो मम्मी आज बताएंगी कि बैंगन का भरता कैसे बनता है, क्योंकि मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। तो आज मम्मी जो है मेरे लिए बैंगन का भरता बना रही हैं। तो मम्मी, बैंगन का भरता आप कैसे बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? उसके लिए बैंगन चाहिए। अच्छा, मैं दो बैंगन के भरता बना रही हूँ। तो ये आपने गैस पे भून लिया? भून लिया है मैंने गैस पर पहले ही बैंगन। अच्छा अच्छा अच्छे से भून गया है, उसको उतार लिया। हाँ, मतलब पहले ही मोटे बैंगन हाँ, ना, पूरा चेक करके कि भाई कहीं हाँ, पे कुछ खराब ना खराब हो, ना हो। थोड़ा तो सा फ्रेश इसलिए बैंगन फ्रेश आपने बैंगन धो के इनको भून धो के लिया उनको है? भून लिया है। और ओके, इसके लिए मुझे थोड़ी सी कटे हुए प्याज चाहिए, कटे बारीक हुए। कटे हुए अच्छा, प्याज, टमाटर। टमाटर दिया, टमाटर के अदरक अंदर मैंने कद्दूकस कर दिया है थोड़ा अदरक, ताकि अदरक अच्छा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कटी हुई हरी मिर्ची है और धनिया है, और मसालों में जीरा, धनिया, लाल मिर्च कुटी हुई, हल्दी और नमक स्वाद नमक। अनुसार। सिंपल तरीके से मम्मी सिंपल बताएंगी कि तरीके से किस तरह से ये बनेगा बैंगन का का भरता भरता बनेगा। बनेगा। इसको अब छील लेंगे हाँ, ना? अब मैं इसको छीलूंगी। अच्छा, हाँ, ठीक इसको है। छील लूंगी, बिल्कुल कर दूंगी साफ। ओके, तो ये बैंगन जो है मम्मी ने छील लिए हैं, इनको फिर मैश कर देंगे ऐसे चाकू से। हाँ, तो ये मम्मी ने अच्छे से इनको जो बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ रख दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब इसमें मम्मी डालेंगी सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या जो भी आप सरसों खाना के तेल चाहें। फ्रेंड्स, मम्मी एक ट्रिक बता रही है कि सरसों के तेल की जिसको जैसे महक आती है, तो मम्मी यहाँ पे नमक डाल दी है थोड़ा गर्म करने के लिए सरसों के तेल को, ताकि जो स्मेल है तेल की वो ज़्यादा ना आए। बताओ, जीरा डाल दिया मम्मी ने। जीरा जब तक चटकना बंद ना हो जाए ना, तब नहीं डाल, तब भी डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर, प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा कुरकुरी करने के लिए तो हम थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। अच्छा, कुरकुरी प्याज करने के लिए थोड़ा सा हाँ पानी का छींटा लगा सकते हैं, ताकि अच्छे से कुरकुरी हो जाए प्याज। इसमें कुरकुरी प्याज जो है अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा, तो ये मम्मी बताई थी उसका कि बैंगन के भरते में कुरकुरी प्याज जो है अच्छी लगती है। तो मम्मी ने यहाँ पे कुरकुरी प्याज करने के लिए जल्दी से इसमें हल्का पानी का छींटा लगा दिया है। हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है और कुरकुरापन भी आ गया है। इसमें अब हम थोड़ा सा डालेंगे पहले लाल मिर्च। लाल मिर्च मसाले डालेंगे, तो पहले लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, उसके बाद हम डाल देंगे एकदम इसमें टमाटर। अच्छा, लाल मिर्च डालने के बाद टमाटर? टमाटर डालेंगे। हल्दी डालने से क्या है कि हल्दी जल जाती है और सब्जी में काला बनाता है। पहले हल्दी डालने से अब हम इसमें प्याज टमाटर अच्छे से डालेंगे, और टमाटर को गलाने के लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे पहले, ताकि टमाटर जल्दी गल जाए, गल जाए। अच्छा, इसलिए बाद में हम कम डाल देंगे नमक, क्योंकि हमारा पहले से ही नमक गला हुआ होता है। अब इसमें हम डाल सकते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा डाला जाता है, ताकि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए टमाटर अच्छे से गलने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच पानी डालेंगे। अच्छे, मसाले सब भुन जाने के बाद? हाँ, हल्का सा पानी डालेंगे, ताकि वो और अच्छे से मैश हो जाए। टमाटर दिखाई ना दे अच्छे में। फ्लेवर अच्छा आ रहा है, कलर भी अच्छा आ रहा है। जब तक तेल नहीं छोड़ता है तब तक तब मसाला हाँ, पता नहीं जो चलता भी कि मसाला भुना नहीं है। अच्छा, जब तक तेल न छोड़े।
अगर तेल छोड़ देता है तो समझो मसाला भुन चुका है। अब हम डालेंगे इसमें मैश किया हुआ बैंगन। हम लोग नमक थोड़ा पहले डाल चुके थे और अब हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे ताकि नमक ठीक लगे। ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हम पहले भी नमक डाल चुके थे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे। इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे, ढक के रख देंगे मतलब प्लेट से ना। थोड़ी सी देर पकने देंगे। अब हम इसको देखेंगे ये पक्के रेडी हो चुका है क्योंकि इसने आसपास तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब कि ये पक चुका है। हम इसमें डालेंगे, ये रेडी हो गया है। अब ये पक चुका है क्योंकि इसने आसपास तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमारा भरता रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया हरा। तो ये हमारा भरता जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये भरता बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको पराठे के साथ और हरी चटनी मम्मी ने बनाई है उसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है देख के।